सबों को यीशु सहाय। आइए आज की इस रविवार आराधना में हम सम्मिलित हों। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात छठवां पर्व वार है और आज का विषय है स्वर्गरोहित प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के द्वारा उनसे जुड़े हैं। आह्वान, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें चुन लिया कि मसीह के द्वारा हम उसके लेखपालक पुत्र हों, कि उसके इस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम तुझको आज के इस नए दिन नए सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने यह दिन हमारे लिए ठहराया कि हम इस पवित्र दिन में तेरी महिमा और बड़ाई करें, तेरी संगति में उपस्थित हो। हम इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं। प्रभु तू हर एक सुनने वाले देखने वाले को अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, कि वो एक चित्त एक मन होकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट की देह बनकर तेरी प्रशंसा और बड़ाई करे और तुझ में बने रहकर तेरी गवाही दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। गीत संख्या 168 आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया से अवर दे कि जैसा हमारा विश्वास है कि तेरा एकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गों के ऊपर उठा लिया गया, वैसे ही हम भी हृदय और मन में ऊपर उठाए जाएं और निरंतर उसके साथ वास करें, उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता
और राज्य करता है। आमीन। हम आज विशेष प्रार्थना करेंगे रोगियों के लिए, विशेष करके अनेस्पूर्ति जो बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ाओं में हैं, उनके लिए और उन प्रियजनों के लिए जिनको हम जानते हैं अथवा नहीं जानते, जो इस समय बीमारी के बिछौने पर हैं, हर एक प्रियो के लिए और सेवा करने वालों के लिए भी। हे ईश्वर शक्तिमान पिता, जीवन और अज्ञता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर अनिष्पूर्ति पर दया दृष्टि कर जिनके लिए हमारी प्रार्थनाएं चाही गई है, उन पर उनकी सेवा करने वालों पर अपने आशीष सुंडेल, ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो वे तन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र नाम की महिमा के लिए जिए। हमारे प्रभु यीशु क्रेस्ट के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम इस समय पूरे संसार, विशेषकर भारतवर्ष और हमारे राज्य में जो महामारी फैली है, उनके लिए ईश्वर शक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आँखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। सारे मसीह घरानों के लिए, हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थानों में वास कराता है, हम तुझसे विनती करते हैं सब ख्रीष्ट घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्टात्मक सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि दो जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे, या वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और हे ईश्वर के पिता, उस प्रत्याशी को पूरा कर जो तूने किया कि मैं सारे मनुष्य पर अपना आत्मा डूंगा, हमारा त्राता यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, उनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीष्ट दे दिया कि मैं पाप उस बचाए स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो, हमें शाश्वत जीवन पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहे, हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथ कृत पाप किया है, हमने अपने ज्ञान और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं, इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंधकार से पछताप करते हैं। तेरे पोते यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि हम भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो अपने साथों को क्षमा करते और सच्चा पछताप करते हैं, वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर, उन सबको छुटकारा दे, सब भले काम आपको स्थिर सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का पहला पाठ वचन प्रेरितों के कामों का वर्णन, 7 अध्याय 54 पद से 60 पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन
सात अध्याय 54 पद से आगे। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथरवाह करने लगे। गवाह ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तफनुस पर पथरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय 28 पद से लेकर तीसरे अध्याय का 3 पद तक। यूहन्ना की पहली पत्री दूसरा अध्याय 28 पद से तीसरे अध्याय का 3 पद तक। अतः हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके साथ समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उसे यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 209, हिम्न नंबर 209।
सुसमाचार पाठ पवित्र योना रचित सुसमाचार, पवित्र योना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में लिखा है और उसके 11वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट तेरी महिमा हो। पवित्र योना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 11 पद से आगे। मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और वे बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। या प्रभु यीशु क्राइस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने अवसर दिया है कि इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से हम तेरे वचन को सुन और समझ सकते हैं। प्रभु तुझसे निवेदन करते हमारे मन हृदय आत्मा को खोलकर सुंदर पवित्र बना और हमारे हृदय भी पटिया में अपने वचनों को लिखना। इस वक्त तू मुझ में होकर अपने पवित्र आत्मा से हर एक से बातें कर। मैं नहीं वरन आप ही तुम बोलने वाला हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा। आमीन। सब कोई सुसहाय परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हम सबों को फिर से एक सुंदर अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना स्तुति इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से कर पा रहे हैं, उनके वचनों को सुन पा रहे हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम आज जो तीनों पाठों को सुने हैं उसके द्वारा उन पाठों के आधार पर जो विषय है उस पर थोड़ी देर हम मनन करेंगे ताकि वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होने पाए। जो विषय हमारा है आज का इस रविवार दिन का या इस सप्ताह का, स्वर्गरोहित प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के द्वारा उनसे जुड़े हैं। स्वर्गरोहित प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के द्वारा उनसे जुड़े हैं। प्रभु यीशु क्राइस्ट जो स्वर्ग पर उठा लिया गया या चला गया और बीते समय या बीते सप्ताह जो स्वर्ग रोहण पर्व हमने मनाया उसी दिन जब प्रभु यीशु क्राइस्ट स्वर्ग पर उठा लिए गए, हम सब उस दिन को मनाते हुए आज इस दिन को पहुँचे हैं कि हम इस रविवार आराधना में उसके होने का और उस पर विश्वास करने का और उसके संभाले जाने का, यानी कि हमारे उसके द्वारा हम सबों के संभाले जाने पर चर्चा करें। यह विषय हमारा है। और जबकि हम सबों ने वचनों को सुना, दोनों पाठों को
सुना, सुसमाचार पाठ को सुना, उसके आधार पर जो हमारे पास विषय था, उस विषय के आधार पर जो हमारा जो पाठ है उसके अनुसार हम यह आज देख पाते हैं, जो मिलता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका पहले पद में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और प्रेम करने के द्वारा हम उसके संतान कहलाए, और हम जानते हैं यूहन्ना 3:16 को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:12 में भी वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखने वाले लोग जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर विश्वास रखते हैं, उस नाम के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त या परमेश्वर उन सबों को संभालता है और अपना संतान उसने बना लिया, अपना बेटा बेटी बना लिया है, क्योंकि उसने हम मनुष्य जाति से प्रेम किया। और प्रेरितों के काम उसका 4:12 में वचन इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों के काम उसका 4:12 में वचन कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया और उसी नाम के द्वारा हम सबों का उद्धार है, और उस उद्धारकारी नाम के द्वारा हम सब आज बचाए गए हैं पाप की मृत्यु से। और इसका जो उदाहरण हम लोगों को मिलता है, जो हम लोग पहले पाठ वचन में सुने, प्रेरितों के काम उसका 7:54 और उसका 54 से, इस्तफनुस के विषय में हम लोग सुन रहे थे, कितनी अच्छी बात वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस्तफनुस पहला शहीद था जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा या यीशु मसीह पर विश्वास करते रहने के कारण और यीशु मसीह के बारे में बताने के द्वारा, यीशु मसीह के विषय चर्चा करने के प्रांत उसको दुख सहना पड़ा, और यहाँ तक उनके साथ हुआ कि लोगों ने उसको पत्थरवाह किया। लेकिन ऐसे समय में उसने क्या किया, जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा था, उस पर दोष लगाया जा रहा था और लोग भीड़ उसके विरुद्ध में थे, तब उसने उन लोगों के लिए क्या किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भीड़ को गवाही दे रहा है, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता था, और यीशु मसीह ने जो प्रार्थना हम लोग सुने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मैं जा रहा हूँ, मैं अब जगत में नहीं रहूँगा, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। वो जब अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है और उस प्रार्थना को इस्तफनुस समझा, जाना, और वो विश्वास किया कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाता है, और जब यीशु मसीह का स्वर्ग रोहन हुआ, वो जी उठने के 40 दिन बाद वो स्वर्ग पर जब उठा लिया गया, चला गया, तब इस्तफनुस से गवाही दे रहा है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। ये गवाही देने से लोग घबरा गए,
डर गए। बहुत सारे लोग वहां थे लेकिन किसी को प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर की दाहिनी ओर स्वर्ग में दिखाई नहीं दिया। केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति था स्तफनुस जिसको प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर की दाहिने स्वर्ग में खड़ा मिला। ये स्तफनुस का विश्वास था और उसी विश्वास के कारण उस पर पत्थरवाह किया गया। और जब पत्थरवाह किया गया तो हम लोग देखते हैं कि वो किस रीति से लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब क्रूस पर चढ़ाया गया, कील ठोके गए हाथों में पैरों में, तब उसने अपने पिता से प्रार्थना किया था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यह आदर्श प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने हर मसीही विश्वासियों के लिए ठहराया है ताकि हर मसीह विश्वासी अपने ऊपर होने वाले दुख पीड़ाओं को जो लोग उनको पहुंचाते हैं वैसे समय में लोग उनके लिए क्षमा की याचना करें। और स्तफनुस ने वही बात की, उसने कहा हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वो प्रार्थना किया कि मेरी आत्माओं को ग्रहण कर, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और उसके बाद उसने एक बात कही, वो महत्वपूर्ण बात है हम विश्वासियों के लिए कि हम अपने सताने वालों के लिए क्या कर सकते हैं। जो हम प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं हम अपने सताने वालों के लिए क्या कर सकते हैं। और जब हम अपने सताने वालों के लिए करेंगे तो प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे लिए क्या करेगा। यहां वचन कहता है फिर घुटने टेक कर उचे सबसे पुकार कर से पुकारा हे प्रभु या पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। स्तफनुस ने यह प्रार्थना किया यीशु मसीह से कि उनके इन पाप को क्षमा कर, इन इस प्रकार के बात को जो वे लोग मुझ पर पथरवाह कर रहे हैं, मुझको मार डाल रहे हैं, उन पर यह पाप मत लगाना, उनके पापों को क्षमा करना, क्योंकि स्तफनुस ने उनके पापों को क्षमा कर दिया था जो वे उसके लिए कर रहे थे। और यीशु मसीह ने भी यही किया। और उस आदर्श पर चलते हुए, उन बातों पर चलते हुए स्तफनुस ने यह कदम उठाया। और इसका प्रतिफल ये किस विश्वास से किया, क्योंकि यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया था। हम लोग जो सुसमाचार पाठ में 17 अध्याय में सुने थे, 17 अध्याय यौनाची सुसमाचार उसका 14 पद से आगे यह वचन कहता है मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उससे पैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रार्थना है पिता परमेश्वर से कि जो प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते वे संसार के नहीं है, वे प्रभु यीशु ख्रीस्त के हैं, परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। और परमेश्वर के बेटा बेटी यीशु मसीह के भाई बहन होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम विश्वास के द्वारा एक दूसरे को क्षमा करें, चाहे लोग हमको कितना भी सताए। और उसको करने के लिए सबसे पहले हमको अपने आप को, जैसा वचन कहता है 18 पद में, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसा ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यीशु मसीह अपने आप को पवित्र किया ताकि हम सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं, क्योंकि पवित्रता का एक ही, पवित्र रहने का
या पवित्र बने रहने का एक ही तरीका और कारण है कि हम सत्य पर चले। और सत्य क्या है? जो वचन कहता है, यानी सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 6 पद में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। सत्य स्वयं यीशु मसीह है और उसी पर भरोसा विश्वास रखने के द्वारा ही हम सब संभाले जाते हैं, जिस प्रकार स्तफनुस संभाला गया और उस विश्वास के द्वारा उसने अपने आप को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के लिए बलिदान कर दिया। आज हम अपने विश्वास के द्वारा अपने आप को किसके लिए बलिदान कर रहे हैं? हमको ये सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने वायदा किया है और प्रार्थना किया है कि जैसा प्रभु यीशु ख्रीष्ट इस संसार का नहीं है, वैसा वे भी इस संसार के नहीं है जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास करते हैं। हम कहाँ के हैं? हमको ये सोचना है, ये समझना है कि हम कहाँ के हैं। इस संसार के हैं या प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाए स्वर्ग के हैं? हम आज अपने आंखों से जिस प्रकार स्तफनुस इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु ख्रीष्ट को परमेश्वर की दाहिनी ओर देख सका स्वर्ग में, क्या हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते? इस पर हमको सोचने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है और ये बहुत जरूरी है। हम जो विश्वास करते हैं, अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, तो हमको ये जानना चाहिए कि हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट को स्वर्ग में देख पाए। क्या हमारी आंखें देख पा रही है? क्या हमारा विश्वास देख पा रहा है? और हम नहीं देख पाएंगे तब हमको कौन संभालेगा? संभालने वाला यीशु मसीह है। जिस प्रकार से हम एक घटना को याद करेंगे जो बाइबल में मिलता है, और वो है पत्रस और यीशु मसीह के बीच का बात। जब पत्रस नाव में था और रात का समय था, यीशु मसीह पानी पर चल कर आ रहा था, तो यीशु मसीह को देखा, लोग डर गए। लेकिन जब यीशु मसीह ने पुकारा, मैं हूँ, तब पत्रस ने तुरंत कहा, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलूं। और उस विश्वास के साथ पानी पर चल रहा था, क्योंकि उस मसीह को देख रहा था। और जब वो पानी को देखा तो डूबने लगा, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह को देखकर पुकारा और यीशु मसीह ने उसे बचाया, उस पानी से निकाला अपना हाथ बढ़ाकर। आज हम जो विश्वास करते हैं मसीही लोग, कि हम आज यीशु मसीह को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, तो हमारा विश्वास कहाँ है? इस पर हमको सोचने की आवश्यकता। जब हमारा विश्वास है यीशु मसीह पर, तो हमको यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए, और जब यीशु मसीह दिखाई देगा तभी वो हमको बचा पाएगा या हम उसको पकड़ पाएंगे, अपना हाथ बढ़ा पाएंगे। हम अंदाजी केवल चिल्ला लेंगे कि यीशु मसीह हमको बचा, लेकिन हम यीशु मसीह को देख ही नहीं रहे हैं तो कौन बचाएगा? बिना देखे हम कैसे चिल्ला सकते हैं, कैसे पुकार सकते हैं? तो सबसे पहले हमको अपने विश्वास के द्वारा ही इन सब बातों को समझना और जानना है, ताकि जो हमारा विषय आज का है कि स्वर्गरोहित प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के द्वारा उनसे जुड़े हैं। तो जो स्वर्ग में है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर, वो हमको तब संभालेगा जब हम विश्वास के द्वारा उससे जुड़े रहेंगे और पुकारेंगे, और हम उसको देख पाएंगे इस तफनुस की नाई। और ऐसे समय में जब हम पर पत्थरवाह किया जाएगा विभिन्न प्रकार से, पत्थर एक साधारण सा उदाहरण या दृष्टांत के रूप में है। विभिन्न प्रकार से हम पर लांछन लगाए जाते हैं, हमको प्रताड़ित किया जाता है, वो सब क्या है? पत्थर की नाई है। और ऐसे समय में हम अपने विरोधी के लिए क्या कर रहे हैं? हमको ये सोचने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करेंगे तभी जाकर हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ जुड़े रहने के द्वारा संभाले जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों पर हमको बहुतायत का आशीष दे। हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान निराकारी जीवित पिता परमेश्वर, तूने अपने वचन के द्वारा हमें यह आशीष दी है कि हम तुझसे जुड़े रहे, बने रहे। हर एक सुनने वाले जो इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से तेरे वचन को सुना है, पर वो हर एक के विश्वास को बढ़ाना, दिल में मजबूत करना कि वे तुझ में बने रहे, तुझसे जुड़े रहे, और उसके द्वारा तू उनका संभालने वाला होने पाए, हमारे पवित्र श्रेष्ठ के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन से करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसके अकलौते पुत्र हमारे पवित्र ख्रीष्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के शाम से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पर उसके शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतक लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतक न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम लोग परमेश्वर पिता को उनके तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देंगे। विशेष करके धन्यवाद देने का रिक्वेस्ट है जे चंपिया पूरे परिवार जो पॉजिटिव थे, अब वे भले चंगे हैं। परमेश्वर ने उनको भला चंगा किया और उसके प्रिय बेटे जीवन चंपिया जो 26 अप्रैल प्रभु में सो गए और उसका दफन कार्य प्रभु यीशु ख्रीस्त की अगुवाई में, उसकी आत्मा की अगुवाई में अच्छी रीति से हो पाया, इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे उन सारे लोगों के लिए जो जिनका जन्म दिन है और सालगिरह है, उन सारे प्रियों को भी हम धन्यवाद स्वरूप प्रार्थनाओं में याद करेंगे, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। स्तोत्र 23:1-2 पद। प्रभु मेरा गरड़िया है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह हरी चराए मुझे बैठाएगा, विश्रामदायक जल के तीर पर वह मुझे ले चलेगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियाँ उत्पन्न होती हैं और मिट जाती है। हम तेरे उन सब सेवकों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए, विशेषकर तेरे दास जीवन चंपिया के लिए तेरी स्तुति करते। तूने इस भाई जीवन चंपिया पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वह शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गया है और मृत्यु से पार हो चुका है, और हमें आशा है कि वह तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सदा रहेगा। वह दे कि हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे लिए सामने है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्तव्यों सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रिय जनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्णति है एक हो हमारे पवित्र ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम जे चंपिया और उसके पूरे परिवार होकर हे सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर और पिता, हम नम्रता पूर्वक तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इस चंपिया जे चंपिया के पूरे परिवार को फिर भला चंगा किया है, जिसके लिए इस मंडली ने तेरी दया मांगी। और हम आनंद पूर्वक यह अंगीकार करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसे तेरी करुणा उसकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को और एक साल सुरक्षित रखा है और तूने उनके जीवन में एक नया वर्ष भी जोड़ दिया। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार तेरे अनुग्रह बीते वर्ष इन प्रियों के साथ बनी रही है, उसी रीति से इस नए वर्ष में जब बड़े आनंद के साथ प्रवेश करते हैं, तेरी अनुग्रह
कृपा दृष्टि बनी रहे, ताकि वे तेरी उपस्थिति में बढ़ते जाए और सदा तेरी गवाही दे हमारे प्रभु श्रेष्ठ के द्वारा। आमीन। ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हम उन प्रिय जनों के लिए जिनका आज विवाह सालगिरह है, प्रभु तूने उनको जो वरदान विवाह के रूप में मनुष्य जाति के लिए ठहराया प्रदान किया है, अब उसमें वे बढ़ते जाते हैं और नए वर्ष में प्रवेश किया है। प्रभु उन जोड़ों को तूने एक तन बनाया है, उसी एक तन बनाए हुए जोड़े पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रख कि वे सदा तेरी उपस्थिति में बने रहकर एक परिवार एक तन होकर तुझे तो प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे हमारे प्रभु श्रेष्ठ के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 221 हम इन भेंटों को जिनको प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से अर्पण किया है प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर अनादिकाल सनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य प्रभु वह तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीष्ट ने सिखाया, हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारा अपराध को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हम समापन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनती की है
और तू प्रतिज्ञा करता है कि जब दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु अपने दासों को मनुष्य और विनती स्थिति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक मनन जीवन हमें दान दे। आमीन। आशीर्वाद वचन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय उपचार सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष आप पर और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। सबको यीशु सहाय। गीत संख्या 181